सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी, और एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पुंबा पुणे, राइट। जब भी हम बात महाराष्ट्र की करते हैं एंड टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करते हैं, आई थिंक पुंबा इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हाट एवरी स्टूडेंट कीप इन देयर लिस्ट, बिकॉज पहली चीज है गवर्नमेंट कॉलेज है और प्रेफरेंस उसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। सेकेंड चीज है कि एक बहुत बड़ा चंक है जहां बच्चों का बजट थोड़ा सा कम होता है और उनके पास ऑप्शंस जो है वो कम हो जाते हैं, तो उनकी लिस्ट में भी ये कॉलेज काफी होता है। एंड ऑल इन ऑल यू नो कट ऑफ भी जो है वो कॉलेज का काफी ज्यादा है, तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो टुडे आई हैव निर्मल चौधरी विद मी, हु इज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम पुंबा पुणे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू निर्मल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। Hello everyone, my name is Nirmal Chaudhary. I did my graduation from MIT Pune. Post that I gave CET and scored 99.49 percentile and got into Pumba. Now I'm in second year of my MBA. Okay, so Nirmal, I have this question. I think, you know, when you was you think of MBA, so aapne mention kiya you're from Maharashtra only, right? When we were discussing. Uh-huh. तो आपकी लिस्ट में डेफिनेटली कई सारे कॉलेजेस होंगे जिसमें से एक पुंबा होगा, तो हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ यू नो स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ, बिकॉज सीईटी जो है वो काफी, तो आई थिंक एग्जाम जो है वो काफी बाद में होता है एंड फिर एक पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टूडेंट जाता है, जिसको हम कैप काउंसलिंग कहते हैं। तो हाउ वाज योर जर्नी एंड कैसे स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर प्लान कर सकते हैं कि यू नो मैं अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर कैसे जा सकता हूँ? या डेफिनेटली, तो मेरा जर्नी था, मतलब हमारा जब ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद, मतलब कोरोना के टाइम पे ही था, तो इसकी वजह से बेसिकली ये सारा प्रोसेस डिलेड हुआ है। नहीं तो यूजुअली प्रोसेस जो है वो मार्च तक ही हो जाता है, मतलब एग्जाम मार्च में हो जाता है और उसके बाद कॉलेजेस वगैरह अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ये सारा प्रोसेस डिले हो गया है एक दो साल से। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अराउंड दिसंबर 2020, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्च 2021 में एग्जाम होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिले हुआ और टुवर्ड्स द एंड वो फाइनली सितंबर, मिड सितंबर में हुआ। उसके बाद हमारा फिर वो कैप प्रोसेस था वो काफी जल्दी हुआ, मतलब विद इन वन मंथ आई थिंक हमारा, मतलब एक स्टार्ट जो था वो देर से हुआ था, लेकिन कैप का जो प्रोसेस था उन्होंने राउंड्स भी स्किप किए थे, कि पहले दो ही राउंड हुए और उसके बाद सीधा काउंसलिंग राउंड, और कैप का वो प्रोसीजर थोड़ा मतलब होता है, हेक्टिक होता है, लेकिन हाँ हो जाता है। एक बार अगर मान लो कि आपका एग्जाम हो जाए क्लियर और परसेंटाइल आ जाए अच्छे से, तो फिर आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हो सारे कॉलेजेस के लिए। तो मेरा ऑब्वियसली सबका टारगेट तो पहले ही JBIMS ही होता है, तो मेरा भी वही था। सो JBIMS देन सिडनम, मेरा सिडनम 1 or 2 मार्क्स से रह गया था और JB सेम 4 or 5 मार्क्स से छूट गया था, तो या लेकिन बाद में पुंबा भी मेरे लिस्ट में था, तो फिर मैंने पुंबा के लिए अप्लाई किया। So, I mean, I think the best part about these colleges, right? हम JBIMS या SIMSRI या पुंबा की बात करें, तो जैसे हम दूसरे भी स्कूल देख रहे होते हैं, वहां पे एक चीज है कि यू नो आपको अच्छा स्कोर करने के साथ साथ देन एक और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है जहां आपका VAT होगा, GD होगा, PI होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा एक ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो यू विल बी एबल टू मेक इट, दो द कॉम्पिटिशन इज एब्सोल्यूटली वेरी टफ। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में हमेशा होता है कि जब हम बात करें होते हैं पुंबा की, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो करिकुलम है, जो एक्सपोजर है, वो कॉलेज में नहीं है जस्ट बिकॉज यू नो गवर्नमेंट कॉलेज है? सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? ये मतलब डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कॉलेजेस मतलब सारे टॉप कॉलेजेस अच्छे ही होते हैं और ये भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, तो एक्सपोजर तो सबको मिलता है। अब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज से कितना बेसिकली आउटपुट लेना चाहता है। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि आता है और वो अपना बेसिकली 100% देता है, तो बेसिकली यहाँ पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स वगैरह उनका भी मतलब फ्लोट होते हैं,
तो अगर स्टूडेंट कोई इंटरेस्टेड हो तो वो अपने हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके बेसिकली वो अपना रेज्यूमे बिल्ड कर सकता है। बहुत सारे एक्टिविटीज भी होते हैं, तो एज सच मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ टॉप मतलब अगर कंपेयर टू JBIMS तो पुम्बा पुम्बा है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है। So, what do you want to say on the kind of curriculum they have? Clubs कैसे हैं? College life कैसी है? मतलब in all, you know, जो overall experience है आपका 2 साल का after coming to the college, what it is overall? तो यहाँ पे भी मतलब 6 to 7 types के सेल्स है, जो कि ये पुम्बा बेसिकली स्टूडेंट ड्रिवन कॉलेज है। तो 6 या 7 तरीके के सेल्स है, जिनमें सबसे मेजर सेल है प्लेसमेंट सेल, जो कि सारे प्लेसमेंट एक्टिविटीज के अराउंड है, मतलब सारी प्लेसमेंट एक्टिविटीज प्लेसमेंट सेल देखता है। फिर ARC सेल है, और एंटरप्रेन्योरशिप सेल है ऐसे, और कल्चरल सेल है। और बेसिकली पहले एक होता है कि फर्स्ट ईयर में आप जूनियर सेल में जाओगे, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आप सीनियर सेल में जाओगे, और बेसिक ये सारी चीज़ें आपको आपका रेज्यूमे बिल्डअप करने में हेल्प करती है, और ये सब भी चीज़ें फिर बाद में आपको प्लेसमेंट को हेल्प करती है। तो और करिकुलम के बारे में, पुम्बा में ट्राई सेमिस्टर पैटर्न है, बाकी जगह सेमिस्टर पैटर्न है। तो हमें इन ऑल मतलब टोटल 6 सेमिस्टर्स होते हैं, तो मेरा करंटली 4th ट्राई सेमिस्टर चल रहा है, और इसके बाद और 2 सेमिस्टर है। सो एक और हाँ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है. आई मीन आई थिंक द कॉलेज इज नोन फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो हाउ मच इट इज कॉस्टिंग? व्हाट इज द एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर? हाउ मच यू आर पेइंग? हाँ तो पुम्बा ROI फैक्टर के लिए नोन है। तो मैं तो महाराष्ट्र स्टूडेंट हूँ, तो मेरा एक्चुअली TFWS करके एक स्कॉलरशिप होता है, उसमें बेसिकली ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम होता है, जो बेसिकली 8-9 बच्चों को मिलता है हर एक कॉलेज में। तो मेरा फीस तो बहुत कम था, मेरा 2 साल का फीस अप्रोक्सीमेटली 30,000 था, वैसे इंडिया और एवरेज पैकेज पुम्बा का 8+ है। तो आई मीन यू कैन डू द मैथ। अंडरस्टैंड द रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट. या सो निर्मल, द थिंग इज यू मेंशन दैट यू नो यू गॉट दिस सीट थ्रू TFW कोटा. और वैसे पूरे इंडिया में स्टेट लेवल काउंसिलिंग में सीट्स होती हैं, बट ये सीट्स कहीं ना कहीं आप वही उसी स्टेट के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती है. तो लेट्स से अगर कोई नॉर्मल सीट पे जाता है या फिर कोई ऑल इंडिया कैंडिडेट है, तो उनके लिए क्या फी स्ट्रक्चर रहता है? उनके लिए 80,000 to 90,000 पर ईयर का फीस है, विच विल बी अराउंड कि 1.7 या 1.8 लाख 2 साल का 2 साल फीस। का पड़ेगा. एंड वन क्वेश्चन आई हैव, आई मीन दे हैव हॉस्टल इनसाइड द कैंपस. आई मीन आई थिंक दे हैव अ वेरी ह्यूज एंड हाँ फुल कैंपस, राइट? सो आई मीन इट्स देयर. व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ द हॉस्टल? हॉस्टल भी काफ़ी बेसिकली मतलब कन्वीनियंट है। वहाँ पे फीस अराउंड 5,000 पर ईयर फीस है। हाँ अच्छा. 5-6,000 पर ईयर फी है, तो 2 साल का वो 12,000 समथिंग कॉस्ट करेगा। आई थिंक यू नो जो टर्म है, यू नो आई मीन जो सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं पुम्बा रखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, दैट इज रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट. की मुझे फीस बहुत ज्यादा नहीं पड़ी. एंड आई थिंक सबसे ज्यादा स्टूडेंट महाराष्ट्र के ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट्स जो है वो रिजर्व है महाराष्ट्र. कितनी परसेंट सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है? महाराष्ट्र 85% 85%. सो 85%, 85-15। सो 85% सीट्स कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए. एंड ऑल दी स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं महाराष्ट्र के. नाउ टॉकिंग अबाउट अ इम्पोर्टेंट थिंग, कि हमने फीस बात कर ली, हमने हॉस्टल बात कर ली. नाउ व्हाट इज बेसिकली यू नो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स? यू नो व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज दे हैव? यू नो किस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं? आई मीन आई थिंक यू थोड़ी देर पहले यू मेंशन की एवरेज पैकेज जो है वो नियर अबाउट 8 लाख का है पुम्बा में, बट आई मीन थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहोगे अबाउट प्लेसमेंट्स? मैं स्पेसिफिक्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन मैं जनरल बता सकता हूँ कि मार्केटिंग मतलब पुम्बा इज नोन फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज आती है। अगर आप फाइनेंस के लिए देखा जाए, तो फाइनेंस के लिए मुंबई के कॉलेजेस बेटर है एज कंपेयर टू पुम्बा, एज दे हैव लोकेशन एडवांटेज कि लाइक सिमसरी और JBIMS, और उनको वो बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री वहाँ पे होने का थोड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी कंपनीज आती है।
सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि जो प्रोफाइल जेबी में ऑफर कर रहे हैं वही प्रोफाइल या उससे एक लेवल नीचे वाला प्रोफाइल कहीं पे बेसिकली यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और जो भी सिटी से होता है उसमें डिफरेंस आता है. लेकिन बाकी बहुत सारी कंपनीज आई है, बहुत सारी न्यू कंपनीज भी आई है इस बार, तो प्लेसमेंट सीजन अभी तक का तो काफी अच्छा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द मोर देन 60% बेस्ट का भी हो प्लेसमेंट हो ही चुका है, और हमारा करंटली प्लेसमेंट सीजन मतलब चल ही रहा है. ओके, सो ऑल इन ऑल 8 लाख का एवरेज पैकेज है व्हिच स्टूडेंट कैन गेट, यू नो, आफ्टर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, आई मीन, आई थिंक लेस देन 2 लाख, राइट, फॉर द 2 ईयर फी, यस जो कि बहुत कम है. तो वन लास्ट क्वेश्चन, आई मीन, एनी सजेशन यू वांट टू गिव इट टू द ऑडियंस हु आर प्लानिंग फॉर सीटी और हु आर हु इज प्लानिंग फॉर पम्बा पुणे? पढ़ाई का ही है कि आप अच्छे से पढ़ो, टारगेट तो JBIMS सिडनम ही करो. अच्छा अगर स्कोर किया तो डेफिनेटली आप बेसिकली मतलब ये सभी कॉलेज है सच्चे, लेकिन ट्राई फॉर द बेस्ट. चलो, थैंक यू सो मच निर्मल फॉर योर टाइम. थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.